राज्य में आग लगने से होने वाले नुकसान और जन धन की हानि को कम करने के लिए योगी सरकार कड़ा रुख अपनाने जा रही है। कमर्शियल भवनों और संस्थानों में अग्नि सुरक्षा अधिकारी न होने पर अब सरकार कार्रवाई करेगी। अग्निशमन से जुड़ी लापरवाही पर सरकार ने जुर्माना लगाने का प्रावधान लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने अग्निशमन व आपात सेवा नियमावली अधिनियम को लागू कर दिया है। आग के खतरे और फायर स्टेशनों की संख्या के आधार पर बरेली समेत प्रदेश के महानगरों को 8 जोन में बांटा गया है। बरेली में बाइक सवार हमलावरों ने दिन दहाड़े हाईस्कूल के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। भमौरा थाना क्षेत्र के बल्लिया चौराहे पर हुई हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई। भमौरा के घिलौरा गांव निवासी ओमबीर का बेटा सूर्यांश छोटे भाई के साथ बाइक में पेट्रोल भरवाने गया था। लौटते वक्त बाइक सवार हमलावरों ने रास्ते में रोक कर उसके सीने में गोली मार दी। आंखों के सामने भाई की हत्या देख छोटा भाई नितिन सहम गया। उसने किसी तरह भाग कर जान बचाई। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का मुआयना करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। बरेली में पीडब्ल्यूडी चीफ ऑफिस पहुंचे ठेकेदारों ने गन्ना विभाग की कई सड़कों के टेंडर निरस्त करने के मामले में जमकर हंगामा किया। बरेली और पीलीभीत के ठेकेदारों ने चीफ इंजीनियर संजय कुमार तिवारी के कार्यालय में अफसरों पर बड़े और चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। बरेली और पीलीभीत कॉन्ट्रेक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारी विजेंद्र पाल और इरशाद अहमद ने कहा कि हाल ही में गन्ना विभाग की कई सड़कों के टेंडर निकाले गए थे। इसके बाद अचानक निविदाएं निरस्त करके नए सिरे से पैकेज बड़ी धनराशि के टेंडर निकाल दिए गए। इससे कम पूंजी वाले ठेकेदारों को कोई निविदा ही नहीं मिली। ठेकेदारों की आपत्ति के बाद चीफ इंजीनियर ने मामले की जाँच कराने का आश्वासन दिया है। बरेली में कुर्मी क्षत्रिय महासभा द्वारा सरदार पटेल स्मारक कुर्मी क्षत्रिय छात्रावास में बने नए हॉल का वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने रविवार को उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री ने महिला सभासदों और आर्किटेक्ट को भी सम्मानित किया। छात्रावास में आयोजित कार्यक्रम में वन मंत्री ने 6 महिला सभासदों समेत 1 महिला आर्किटेक्ट को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान दिया। इस मौके पर सपा नेता भगवत चरण गंगवार, पूर्व मेयर कुंवर सुभाष पटेल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुर्मी क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष केपी सेन गंगवार एडवोकेट ने की। बरेली में यातायात नियमों में लापरवाही के चलते सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाईवे पर सैटेलाइट बस स्टेशन के पास ब्लैक स्पॉट पर ओवरलोड वाहन ने स्कूटी सवार महिला को कुचल दिया। ट्रक को साइड देने के चक्कर में महिला की स्कूटी का पहिया गड्ढे में चला गया, जिससे वह नीचे गिर पड़ी। पीछे से आ रहे ट्रक का पहिया महिला के ऊपर से निकल गया। प्रेमनगर थाना क्षेत्र निवासी आलिशान पत्नी जाहिदा के साथ रात 10 बजे फायर इनक्लेव से घर लौट रहे थे। इसी दौरान स्कूटी सड़क पर गिर गई। स्कूटी पर सवार जाहिदा की सड़क हादसे में मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बरेली के मनोहर भूषण इंटर कॉलेज मैदान पर चित्रांश समागम व कायस्थ वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने की। इस मौके पर मेधावी छात्र छात्राओं समेत खेल शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को भी सम्मानित किया गया। 3 सत्रों में आयोजित कार्यक्रम में युवक युवतियों का परिचय कराया गया और लकी ड्रा के माध्यम से चयनित लोगों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। इस मौके पर कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, अनिल कुमार सिन्हा, संजीव वर्मा, अमिताभ बिहारी वर्मा, मनोज सक्सेना व राकेश सक्सेना समेत बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। बरेली में पेंशनर्स दिवस के मौके पर एनी रेलवे वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने वरिष्ठ पेंशनर को सम्मानित किया। कार्यक्रम में पहुंचे वरिष्ठ पेंशनर्स ने अपने सेवा काल के अनुभव साझा किए। कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ साझा किए। कार्यक्रम के मौके पर पेंशनर ने अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखी और उनके निस्तारण की भी मांग की। इस मौके पर मंडल कार्मिक अधिकारी अरविंद कुमार, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के चौहान, ईपीएफओ के रिटायर्ड कमिश्नर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
बरेली में शादी के महज 20 दिन बाद विवाहित महिला की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस को सूचना दिए बगैर परिजनों और ससुरालियों ने विवाहिता के शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया है। महिला के परिजनों ने फिलहाल कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के बिहारीपुर कहरवान निवासी निशांत की पत्नी राधिका की बाथरूम में नहाते समय संदिग्ध रूप से मौत हो गई थी। काफी देर बुलाने के बाद भी जब विवाहिता बाहर नहीं आई तो घर वालों को घटना की जानकारी हुई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। बरेली के बिशप मंडल इंटर कॉलेज में मंडलीय खादी महोत्सव का आगाज हो गया। 30 दिसंबर तक चलने वाले खादी मेले का वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार और कैंट विधायक संजीव अग्रवाल समेत सीडीओ जग प्रवेश ने शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री विधायक ने महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके चरखा चलाया। खादी महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश करके सभी का मन मोह लिया। महोत्सव में खादी ग्रामोद्योग, हैंडीक्राफ्ट समेत खाद्य पदार्थ और तमाम उत्पाद शामिल किए गए हैं। बरेली में डग्गामार वाहनों पर कमिश्नर के आदेश पर अभियान चलाकर कार्रवाई की गई है। इस दौरान अनाधिकृत रूप से चलती मिली बसों को सीज कर दिया गया। वहीं कई वाहनों के चालान किए गए हैं। परिवहन और पुलिस विभाग के संयुक्त अभियान में दर्जन भर ओवरलोड वाहनों के चालान किए गए। अलग अलग थाना क्षेत्रों में 10 वाहनों को बंद कर दिया गया है। वहीं 3 बसों को सीज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि अवैध डग्गा मार वाहनों पर आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। ये थे न्यूज टुडे नेटवर्क के आज के समाचार। ऐसे ही ऑथेंटिक और रिसर्च ओरिएंटेड कॉन्टेंट के लिए लगातार न्यूज टुडे नेटवर्क के न्यूज बुलेटिन को फॉलो कीजिए।